औरैया 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव मैदान में कूद पड़े, जहां पर बीजेपी सांसद इटावा लोकसभा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया द्वारा 2024 में लोकसभा को लेकर लोगों से संपर्क किया। वहीं अजीतमल क्षेत्र में जनता को संबोधित किया, जहां पर रामशंकर कठेरिया द्वारा सरकार की योजनाओं को गिनाया गया। वहीं ये कहा गया कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है क्योंकि आप लोगों को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर और कश्मीर में वहां का झंडा उखाड़कर तिरंगा फहराना है, उसके लिए हो रहा है। आतंकवाद खत्म करना है, नक्सलवाद खत्म करना है। ये चुनाव भारत सर्वशक्तिमान हो, भारत में राम राज्य हो, अयोध्या में भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो गए, उनके आशीर्वाद के लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, यहाँ का चुनाव यहाँ का गुंडा राज था। सबने देखा था गुंडा राज कैसे गुंडई होती थी। आजाद भारत के 70 साल कोई सुविधाएं नहीं पहुंची थी, प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया। वहीं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को गिनाया, वहीं लोगों से हाथ उठवाकर कहलवाया कि अब की बार 405 सीटें बीजेपी को। वहीं बसपा से जिला पंचायत सदस्य आशुपाल ने ग्राम प्रधानों की टीम के साथ बीजेपी का थामा दामन। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिया है, 60% लोगों को मिल चुका है। चुनाव के बाद जो बचे हैं 4 यूनिट वाले 3 यूनिट वाले, उनको चुनाव के बाद सब लोगों को बांट दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का यूनिट, 5 लाख हर साल उस कार्ड में पहुंच जाएंगे। कोई बीमार हो जाए 5 लाख का इलाज फ्री में कराएंगे, अगले साल फिर 5 लाख। दुनिया की सबसे बड़ी योजना नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए चलाई है, ये 5 लाख रुपए। किसी को कार्ड मिले क्या बताओ भाई? आयुष्मान कार्ड मिले नहीं, जिनको मिले वहां तो नहीं मिले, उनको मिलेगी। अभियान चल रहा है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सबको मिलेगी। यानी कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए। फिर मोदी जी ने कहा, हमने सुना है कि हिंदुस्तान में पहले भुखमरी से लोग मर जाते थे, यहां जो जिनकी उम्र ज्यादा है पहले अन्न का संकट था। बताओ था कि नहीं था? बड़े बुजुर्ग जानते हैं, बहुत लोग भूखों से मर जाते। पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है 85 करोड़ लोगों को फ्री में गल्ला देने का काम कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ उठाओ गल्ला वाले, जिनको गल्ला मिलता है हाथ उठाओ। तो अब हाथ नहीं उठा रहे तो कैसे काम बनेगा?